फ्रेंड, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्कूल पट्टी को कैसे लगाएं। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे न्यूज चैनल, एजुकेशन चैनल देखे होंगे जिनके नीचे स्कूल पट्टी लगी होती है। फ्रेंड्स, जिन वीडियो में स्कूल पट्टी लगी होती है वो वीडियो अलग ही अट्रैक्टिव लगती है और देखने में बहुत आकर्षित लगती है। फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं स्कूल पट्टी को कैसे लगाएं। फ्रेंड, अगर आप किसी प्रकार की हेल्प चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको कैसे कैसे हमें जो क्या क्या एडिट करना पड़ेगा जिससे हम स्कूल पट्टी अपनी वीडियो में लगा सकें। तो फ्रेंड, स्क्रोल पट्टी बनाने के लिए हमारे लिए दो ऐप की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला पिक्सल लैब ऐप, दूसरा जो काइनमास्टर ऐप। मैं सबसे पहले पिक्सल लैब में क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बताऊंगा। फ्रेंड, यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर टेक्स्ट जो डिलीट कर देंगे। फ्रेंड, टेक्स्ट डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा स्क्वायर बॉक्स पे, स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पे जाऊँगा। ट्रांसपेरेंट पे जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आऊँगा। फ्रेंड, यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सेव पर आ जाऊँगा। यहाँ पर सेव पर आ गया फ्रेंड, तो इसका मैं थोड़ा जो लंबा कर दूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पट्टी जो लंबी कर दूंगा। लंबी करने के बाद मैं थोड़ा सा पतली भी कर दूंगा। फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लंबी मैंने पट्टी कर दी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, मैं इसमें ही जाके अब कलर इसमें डालूंगा। फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर आ गया। कलर पे जाने के बाद फ्रेंड्स, आप जो है इसमें आप देख सकते हैं ये मैंने कलर डाल दिया है। अगर आप जो इसे थोड़ा लाइट करना चाहें लाइट भी कर सकते हैं और डाउन करना चाहें डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउन भी हो गया है, डाउन कलर हो गया फ्रेंड्स। तो इसमें आप मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं सही का निशान लगा दूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा। टेक्स्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पर मैं लिख लूँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पहले इसे लिख रखा है इसलिए मैं जो कॉपी पेस्ट कर दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं लिखा तो आपको लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि वाइट है, तो इसलिए मैं इसका कलर चेंज करूँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर कलर मैं इसका रेड कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, रेड करने के बाद में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो है बड़े बड़े अक्षरों में दिखने लगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इस टाइप से तो आ नहीं पाएगा। अब मैं इसका साइज जो छोटा कर दूंगा। फ्रेंड, यहाँ पर साइज मैंने बहुत छोटा कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि ये मुझे एक लाइन में लाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसे एक लाइन में ले आया हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसके फ़ॉन्ट पे भी जाऊँगा। फ़ॉन्ट पे जाने के बाद फ्रेंड्स मैं जो है इसके जो है वर्ड जो है मोटे पतले जैसे मतलब किस डिज़ाइन में आप करना चाहते हैं तो आप उस टाइप से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से ये बन के आ गया। फ्रेंड्स, अगर आप जो पूरी डिस्प्ले पर नहीं आ रहा है तो इसका साइज और भी छोटा करना पड़ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो है और इसका जो है साइज छोटा कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर टेक्स्ट जो है किधर गया, ये टेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसको मैं और छोटा करने के बाद में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब मैं थोड़ा साइज और बड़ा कर लूँ क्योंकि ये थोड़ा छोटा लग रहा है। फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हैं ये मैंने जो है साइज़ जो बिल्कुल फिक्स कर लिया। अब मैं जाऊँगा ऊपर, आप देख सकते हैं मेमोरी कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। फ्रेंड्स, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करने के बाद में सेव एज इमेज पर जाएंगे। सेव एज इमेज पर जाने के बाद फ्रेंड्स क्वालिटी पर जाएंगे। क्वालिटी पर अल्ट्रा क्लिक सिलेक्ट करके आप सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे हम काइनमास्टर में। फ्रेंड्स, काइनमास्टर ओपन हो चुका है। फ्रेंड्स, अभी ये सर्चिंग चल रही है। फ्रेंड्स, इसके चलने के बाद में हम प्लस पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मीडिया पर जाऊँगा। मीडिया पर जाने के बाद फ्रेंड्स मैं इस पर जाऊँगा। इस पर जाने के बाद में मैं यहाँ पर एक वीडियो ले लूँगा अपनी। यहाँ पर एक वीडियो ले ली फ्रेंड्स मैंने, ये वाली वीडियो। फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं ये थोड़ा जो है मुझे थोड़ा अभी जो है तो मैं आपके लिए दिखाना ही है तो उस हिसाब से मैं थोड़ा कट कर लूँगा। फ्रेंड, थोड़ी कम वीडियो रखूँगा। फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हैं मैंने ये वीडियो शॉर्ट वीडियो मैंने ले ली। फ्रेंड, मैं यहाँ पर लेयर पे जाऊँगा। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाऊँगा। मीडिया पे जाने के बाद पिक्सल लैब ऐप पे जाऊँगा। यहाँ पर जो मैंने फ़ोटो बनाया था फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हैं इस टाइप का ये आ गया। फ्रेंड, और आप जो है इसके साइज़ को आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है इसे और भी बड़ा कर रहा हूँ। फ्रेंड, यहाँ पर इसकी आवाज़ थोड़ा डाउन या बंद कर लेता हूँ फ्रेंड्स इसमें मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप का ये आ गया बन के। फ्रेंड, तो यहाँ पर मैंने ये बिल्कुल जो है इतना जो बन के आएगा ये बिल्कुल इधर कर लेंगे हम। यहाँ पर करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो की आ रही है बन के इस की पे हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर की पे मैंने क्लिक कर दिया। फ्रेंड, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद में फ्रेंड्स मैं इसका जो है इस वाले को थोड़ा आगे खिसकाऊँगा। फ्रेंड, इसके लिए मैं आगे खिसकाते हुए ले जाऊँगा। फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल हम अंदर कर देंगे। फ्रेंड्स, तो ये मैंने बिल्कुल अंदर कर दिया। फ्रेंड्स, अब मैं इसे जो एनिमेशन ऊपर ये लिख के आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एनिमेशन यहाँ पर मैं टिक कर दूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये आ जाएगा बन के। फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो स्पीड बहुत ज़्यादा अधिक आ रही है। फ्रेंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम जो थोड़ा और लंबा कर लेंगे। फ्रेंड्स, तो इसमें आप देख सकते हैं ये इस टाइप से बन के आ गया। फ्रेंड्स, तो
तो इस टाइप से आप जो है अपनी वीडियो में एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा, हमने आपको बता दिया है स्क्रोल पट्टी कैसे लगाई जाती है। फ्रेंड्स अगर आप लंबी और बड़ी स्क्रोल पट्टी या आसानी से स्क्रोल पट्टी लगाना चाहते हैं तो आप जो है लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फ्रेंड तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।